साहिब के हमारे भाजपा इंडिया के जो कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए थे, सबों का मिलन समारोह था। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। आज मैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां सर्वाधिक मत देने का काम किया हुआ है, साथ साथ बिहार में पुल के बाद रोड भी धंस रहे हैं। शट्टी के कार्रवाई हो रही होगी। अत्यंत पार्टी एनडीए की समस्त कार्यकर्ताओं का बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है और कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है उसका फल भी हम। नमस्कार, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अनिल कुमार। लोकसभा चुनाव की जीत के बाद पटना साहिब के लोकसभा प्रत्याशी प्रसाद, उन्होंने पटना साहिब जीत हासिल की। इसके बाद कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह के लिए वो पटना साहिब पहुंचे। पटना साहिब पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो है सम्मान दिया, उनको गमछा पहना कर उन्हें सम्मान दिया और उन्हें बधाई दिया कि जिस तरह से उन्होंने इस बार पटना साहिब की जीत हासिल कराई है रविशंकर प्रसाद को, उन्होंने काफ़ी सराहना की। वहीं उनके साथ जो है बिहार विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का काफ़ी सम्मान किया और उन्होंने बताया कि जिस तरह से कार्यकर्ता ने अपने बूथों पर दिन रात जमकर मेहनत किया और जो है लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद को जिताने का हासिल किया, उन्होंने इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। हालांकि वहीं रविशंकर प्रसाद से जब मीडिया ने सवाल किया इस कार्यकर्ता सम्मान को लेकर, तो उन्होंने हालांकि कार्यकर्ता सम्मान को लेकर उन्होंने बधाई दी और बताया कि कार्यकर्ताओं का काफ़ी सहयोग रहा। वहीं उनसे सवाल यह भी पूछा गया कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, पुल पुड़िया धंस रही है, जमीन दोष हो रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो है अब इसकी जांच की जा रही है। बिहार में आप बता दें कि 20 दिनों में लगभग 13 पुल गिर चुके हैं। आज की हम बात करें तो आज मोतिहारी में भी एक पुल जमीन दोष हो चुका है। वहीं पुल गिरने के बाद साथ साथ जो है NH30 की जो है सर्विस लाइन की रोडें भी धंस रही है, उसको लेकर भी उन्होंने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जांच की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद और बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, हम उनके बयानों के साथ छोड़े जा रहे हैं। साहिब के हमारे भाजपा इंडिया के जो कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए थे, सबों का अभिनंदन समारोह था। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। आज मैं कार्यकर्ताओं के उत्साह का सम्मान करता हूँ। आज बहुत अच्छा हूँ यहाँ पर लोगों को प्रणाम करने के लिए। चालीस में 30 सीटों को जीते हुए हारे लालू जी दिन में सब बंद कर ये सरकार मजबूत है। 5 साल में कोशिश करेगी, देश के विकास का काम करेगी। बिहार में 20 दिन में 13 पुल गिर गए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कार्रवाई हो रही है। आज भी मोतिहारी में एक पुल गिर गई है। कार्रवाई हो रही है, सख्ती से कार्रवाई। पुल के बाद रोड भी धंस रहे हैं, बाईपास है छट्टी के। सरकार पूरी पटना में नवंबर में किसी को नहीं जाएगा। बिहार में बिहार प्रस्ताव पारित हो गया है जी, बनेगा। बिहार में पुल के बाद रोड भी धंस रहे हैं छट्टी के। कार्रवाई हो रही होगी। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां सर्वाधिक मत देने का काम किया हुआ है, साथ साथ हम लोगों ने 345 बूथों में से 269 बूथों को विजय प्राप्त किया है। इस शानदार विजय के लिए हम लोगों ने आज कार्यकर्ता जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है उसे जो है इकट्ठे हुए थे और अत्यंत पार्टी NDA के समस्त कार्यकर्ताओं का बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है और कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है उसका फल भी हम लोगों ने चुनाव में देखा। कार्यकर्ताओं का काफ़ी योगदान रहा इस चुनाव में, विधानसभा में कैसे देखते हैं इसको? हम लोग की पार्टी का मानना है, हम लोग के गठबंधन का मानना है कि चुनाव में विजय तभी होता है मतदान केंद्र पे काम करने वाला जो कार्यकर्ता है उसके परिश्रम का ही परिणाम होता है चुनाव विजयी होने। इसलिए मतदान केंद्र पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का आज हम लोगों ने सम्मान किया है क्योंकि उनके परिश्रम के कारण ही हमें विजय प्राप्त हुआ।